सुविधाओं से वंचित है, कोई कॉलेज नहीं, कोई बड़ा नागरिक अस्पताल नहीं है, ना स्टेडियम है, ना तहसील का दर्जा है। और जबकि साथ लगता अड़ेवा जो गांव है वो मुआड़ा से काफी छोटा गांव है, वहां पे सारी सुविधाएं हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं ये भेदभाव सफेदों के साथ हो रहा है और यहां पे विकास के नाम पे सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। एक भी विकास कार्य नहीं हुए बल्कि विकास कार्यों को अड़ंगा डाला जा रहा है। किसके द्वारा? यहां लोकल जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा। कैसे? क्योंकि जिस तरीके से आज मैंने खबर पढ़ी हुई है, जो यहाँ के चेयरमैन है, नगर पिता है, वो काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, उन विकास कार्यों में रुकावट डाली जा रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और चेयरमैन जो है वो स्वतंत्र है और पूर्ण बहुमत से के साथ नगर पालिका में बैठा है, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जहां समर्थन है वहां सब कुछ है। तो इसलिए मैं समझता हूं ये बाज आना चाहिए और मैं चेयरमैन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और चेयरमैन को फ्री हैंड देना चाहिए ताकि सफेदों का विकास हो, चौमुखी विकास जो है उसके। ऐसा कौन सा नेता है जो आपकी नजर में अड़ंगा डाल रहा है? कोई नाम? मैंने यहां से प्रतिनिधि का नाम लिया है, जो यहां से चुना हुआ प्रतिनिधि है वही अड़ंगा डाल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता सफेदों में कोई विकास करा सके, क्योंकि चेयरमैन और जो उनके समर्थक पार्षदों की जो नीयत है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। वो चाहते हैं सफेदों में विकास हो, सफेदों शहर चमके, पर उनके विकास के जो जो उन्होंने अपना एजेंडा बनाया है उनमें हमेशा से उनके अड़ंगा डाला जा रहा है, जो बर्दाश्त से बाहर है। इस बार माना जा रहा है कि आप टिकट के आश्वासन पे ही कांग्रेस में शामिल हुए, क्या मानते हैं? देखिएगा, जो फैसला कांग्रेस पार्टी हालाकमान और जो प्रदेश नेतृत्व करेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैंने हालाकमान और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में पूरी आस्था है और मैं एज ए कार्यकर्ता जो काम करता रहूंगा और जो बाकी आदेश आएगा उसकी पालना करेंगे। अगर आपको टिकट मिल जाती है, किन मुद्दों को लेकर साथ निकलेंगे? हमने कहा जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, जो मुद्दे जिस तरीके से सफेदों शहर का है, हमारा हमेशा से मांग रही है, आप बार बार हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए, आंदोलन के जरिए आपको बतला भी है, कई बाईपास का निर्माण होना चाहिए, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बनना चाहिए, क्योंकि हैचरी का बहुत बड़ा, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा फार्म अगर है तो वो सफेदों में है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बनना चाहिए, यहाँ पे आईटीआई के साथ जेबीटी का भी संस्थान खोलना चाहिए। और मैंने जो डिमांड्स उठाई हैं, जिस तरह से पिल्लूखेड़ा की है, मुआड़ा की है, वो सब डिमांड्स के लिए हम इन मांगों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरे। 2000